नाम आरजेडी है, इससे बड़ा दोगला पार्टी कोई नहीं है पूरे बिहार में। बिहार को लूटने का काम आरजेडी किया है। भाई बिहार में आप बताओ, जब से लालू परिवार आया है, जब से आरजेडी आई है, क्या वो फैक्ट्री दिया आपको? एक भी नहीं दिया है। कोई यूपी बिहार में बाथरूम साफ करता है, वोट दीजिएगा? कभी नहीं। उसका मानसिकता बतला रहा है। मनीष कश्यप आवाज उठाया, उस पर NSA दर्ज लगा दिया गया। इस पे NSA क्यों नहीं लगा दिया? आपके इंडिया गठबंधन का एक सांसद यूपी बिहार वालों कहता है बाथरूम साफ करने के लिए आता तमिलनाडु। देखिए, उसकी मानसिकता जो है ना खराब हो चुकी है। इतना ताकत है ना कि वो कुआं जमीन को खोद के उसमें से पानी निकालता है, उसको जमीन को चीर के उसमें से अनाज निकालता है। बिहारी में इतना ताकत है। इंडिया गठबंधन का नेता कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी बिहार वाले हमको वोट देंगे? पहले वो अपना DNA ठीक करवाए, कांग्रेस का जो भी नेता ये बोला है, पहले अपना DNA ठीक करवाए। गरीबों के मसीहा पप्पू यादव को हम लोग समर्थन करें। आरजेडी सिर्फ लालू परिवार ही बिहार को चले। इंडिया गठबंधन यानी तमिलनाडु के सांसद MK स्टालिन के सांसद, वो साफ तौर पे यूपी बिहार को लेकर के अभद्र बयान दिया। उन्होंने बहुत ही घटिया बयान दिया। वो साफ तौर पे कहे कि यूपी बिहार के लोग जो है तमिलनाडु में आकर के वो लेटरिन बाथरूम साफ करते हैं। इन्हीं तमाम सब मुद्दों पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या यूपी बिहार के लोग बाथरूम साफ करने के लिए तमिलनाडु जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहिएगा आप? तो इंडिया गठबंधन का पूरा खुल के समर्थन करती है और इंडिया गठबंधन के सांसद है वो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के जो लोग हैं वो बाथरूम साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, कहाँ तक सही? इससे पहले जब वो व्यक्ति बोला था कि कोरोना, हाँ तो तब मैंने उसका बुराई किया था, तब किसी ने आके क्यों नहीं बोला कि हम इंडिया गठबंधन का बुराई क्यों कर रहे हैं? अभी बताइए ना, चीज में बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। साफ करने जाती है, उस सठिया गया है, सठिया गया, हाँ दिमाग उमा घसा गया है। कहते ना कि एक दीमक पूरा का पूरा लकड़ी खा जाता है, वही वाला हाल हो गया कि अब पूरा गठबंधन के लोग इस तरीके से घटिया बयानबाजी करेंगे तो यूपी बिहार के लोग इंडिया गठबंधन को क्यों वोट देंगे? तो जैसे आज हम BJP का बुराई कर रहे हैं, वैसे ही हम इसका बुराई करेंगे। क्या बिहार का लोग कभी वोट देगा इंडिया गठबंधन को? ऐसे बोलेगा तो नहीं देगा। अगर कहेगा कोई यूपी बिहार वाला बाथरूम साफ करता है, वोट दीजिएगा? कभी नहीं। उसका मानसिकता बतला रहा है, मानसिकता बतला रहा है। सब एक ही है। गया ना, तेजस्वी यादव जाके केक काटता है ना, अभी सुने, अभी बताए बयान दे। किसी ने विरोध नहीं किया। तेजस्वी यादव जाके केक काटा ना उसके साथ 1 मार्च को 2023 में ही ना, एक बार बयान दिया, कोई नहीं दिया। वो मानसिकता बताता है। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रही बताइए? अभी युवा है, बताइए क्या बोला भैया? यूपी बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं वो बाथरूम साफ करते हैं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। इंडिया गठबंधन का सांसद वो बोल रहे हैं, बोलने से क्या होगा? आवाज उठाता है मनीष कश्यप, आवाज उठाया, उस पे NSA दर्ज लगा दिया गया। इस पे NSA क्यों नहीं लगा दिया? इस पे NSA क्यों नहीं लगा रहा? ये लोग कहीं नहीं, NSA क्यों नहीं लग रहा है कि आपके इंडिया गठबंधन का एक सांसद यूपी बिहार वालों कहता है बाथरूम साफ करने के लिए आता तमिलनाडु? देखिए, उसकी मानसिकता जो है ना खराब हो चुकी है। और ये चीज जानना चाहिए कि मेहनती जो यूपी और बिहार के लोग जो मेहनती हैं, अगर उस राज्य में जाना बंद कर दें, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है ना ताला लग जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पर। बिहारी में इतना ताकत है ना कि वो कुआं जमीन को खोद के उसमें से पानी निकालता है, उसको जमीन को चीर के उसमें से अनाज निकालता है। बिहारी में इतना ताकत है, ये बताइए? बिहार में इतना ताकत, उत्तर प्रदेश में इतना ताकत है, तो आखिर बार बार लगातार यूपी बिहार के लोगों को क्यों अभद्र बयान का शिकार होना पड़ता है? अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, उन्होंने खुलेआम क्या चेतावनी दिया था, बिहार का DNA जो है हमसे बेहतर नहीं। इसका मतलब बिहार का DNA खराब है? आ रहा है भाई, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। हमारे DTCM जो तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। अरे तेजस्वी यादव का मैं बात कर रहा हूँ, जो DTCM अभी है प्रेजेंट में, वो पहल कर चुके हैं तत्काल में, जो वैकेंसी जो उन्होंने निकाला है 4.5 लाख नौकरी देने का, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो बिहार में आगमन होने का प्रयोग हो चुका है। बदनाम करके अब बिहारी कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अपने धरती पर रह के, अपने शहर में रह के वो खुद का कमाएगा, खुद खाएगा। आपका गठबंधन का नेता कहेगा कि बिहार का DNA हमसे खराब है, इसका मतलब क्या है? हम उसका विरोध करते हैं। बिहार का DNA खराब है? बिहार का DNA खराब नहीं करते, उस मानसिकता पर विरोध करते हैं, उस मानसिकता का विरोध करते हैं। किस मानसिकता से? आपका कहता है कि यूपी बिहार के लोग बाथरूम साफ करते हैं, कोई कहता है कि बिहार का DNA खराब है, मतलब किसी तरह से, मतलब साफ तौर पर यही दर्शाता है कि बिहार और यूपी के लोगों को नीचा दिखाने काम कर रही है इंडिया गठबंधन के लोग। आ रहा है, उसका भी जवाब मिलेगा, 2024 आ रहा है। आखिर इंडिया गठबंधन का नेता कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी बिहार वाले हमको वोट देंगे? पहले वो अपना DNA ठीक करवाए, कांग्रेस का जो भी नेता ये बोला है, पहले अपना DNA ठीक करवाए, उसके बाद बिहार वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में बोले। उसका खुद का DNA खराब है, जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का, जो इंडिया गठबंधन का पार्टी है। अच्छा, तमिलनाडु के एक सांसद स्टालिन वो बोले है कि यूपी बिहार के लोग जो है तमिलनाडु में आकर के बाथरूम साफ करते हैं, उसका भी जवाब मिलेगा। उसको उठा के देख लीजिए आप, UPSC का जो भी एग्जाम, तेलंगाना तो मान रहे एक लिटरेसी रेट में बहुत ऊपर है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी IAS UPSC हो गया, IIT हो गया, जो कि अच्छे लेवल का एग्जाम होता है,
उसमें बिहार का लेवल उठा के वो देख ले, उसके बाद बिहार वासियों के बारे में वो बोले। मतलब ऐसा क्यों होता कि यूपी बिहार के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता हर जगह? वो हमारे सरकार में दोष है, हमारे नेताओं में दोष है जो कि बिहार को बदनाम करके रखा है। बिहार के लोग बाहर जाता तो प्रताड़ित भी होना पड़ता है। वो तो बस वही तो बताए ना आपको कि ये हमारे पूर्वजों को, जो सरकार का पूर्वज है ना, वो जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो जात पात के ना ये करते रहा है, उसका दिन है कि सब बिहार वासी को, चाहे वो उच्च कोटि का लोग हो या फिर बैकवर्ड क्लास का लोग हो, सबको सुनना पड़ता है सिर्फ इन नेताओं के चलते। इन नेताओं के, बिहार के नेताओं की वजह से पूरे बिहार के लोग जो है वो बदनाम होते हैं। ये बात सही बात भैया ने बोला। बिहार में एक ऐसी जो सरकार है, जिसको अभी प्रेजेंट में जो सरकार है जिसका नाम आरजेडी है, इससे बड़ा दोगला पार्टी कोई नहीं है पूरे बिहार में। बिहार को लूटने का काम आरजेडी किया है। कैसे? देखिए कभी भी आरजेडी जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही युवा को। देखिए इससे पहले सबसे बड़ा इससे पहले पप्पू यादव को क्यों हम लोग समर्थन करें? पप्पू यादव जो बिहार के लिए कर रहे हैं, पप्पू यादव का हम लोग समर्थन करें। गरीबों के मसीहा पप्पू यादव का हम लोग समर्थन करें। आरजेडी सिर्फ लालू परिवार ही बिहार को चलाए। गठबंधन के लोग लगातार क्यों बिहार के ऊपर बयान देते हैं कि बिहार का डीएनए खराब है? कोई कह देता है बिहार यूपी वाले लोग बाथरूम साफ करने के लायक है। एकदम सही बात बोल रहे हैं, 110% सही बात है। बिहार में इतना करप्ट बढ़ चुका है भाई, कौन कौन कुर्सी पे बैठा हुआ, कौन कितना पैसा ले रहा है, वो हम सब जनता जानते। बाहर जाते हैं तो बाथरूम साफ करने जाते हैं। अरे भाई बिहार में आप बताओ, जब से लालू परिवार आया है, जब से आरजेडी आई है, क्या वो फैक्ट्री दिया आपको? एक भी नहीं, नहीं दिया। और नीतीश, बीजेपी का सरकार आई थी तो 500 फैक्ट्री लग गया था, हम लोग देखे थे। बीजेपी को शासन, बीजेपी आए उससे कोई मैटर नहीं, बीजेपी भी वही है। हम कहेंगे बिहार के लिए अच्छा काम कर सकता है तो वो सिर्फ पप्पू यादव जी कर सकते हैं। पप्पू यादव बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस क्षेत्र से हम आते, पप्पू यादव मेरे क्षेत्र में जाके देखिए भाई, विकास किए हैं, दिल खुश कर दिया। पप्पू यादव बिना सत्ता में रहते हुए पप्पू यादव हमारे गांव को विकास की उन्नति पे ले गए, ठीक है। हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी और जाप दोनों एक गठबंधन कर ले, और दोनों गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ने का काम करें। साफ तौर पर लोगों के प्रतिक्रिया को आप लोगों ने सुना, ये लोग काफी नाराज, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यही बयानबाजी इंडिया गठबंधन के लोग करते रहे तो इंडिया गठबंधन को वोट देने पर हम लोग विचार करेंगे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।